फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं क्रेप पेपर से माला कैसे बनाते हैं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे एक सीजर, एक थ्रेड और एक नीडल और क्रेप रूल। देखिए, मैंने इस तरह से सारी सेम साइज की स्ट्रिप्स कट कर ली है। अब हम इसकी माला बनाना शुरू करते हैं। माला बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ऐसे हम बाकी के भी कर लेंगे और हम दोनों साइड कट्स लगा लेंगे। हमें इसको धीरे धीरे खोलना है, वो खोल सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको कट्स लगा लिया है, वैसे ही मैं बाकी के भी कर लूंगी। देखिए, मैंने इस तरह से सारी स्ट्रिप्स को कट्स लगा लिए है। अब हम इसकी माला बनाना शुरू करते हैं। वो माला बनाने के लिए हमें सिव करना है, पर वो सेंटर में सिव करना है। वैसे ही मैं बाकी के भी सिव कर लूंगी और पूरा सिव हो जाएगा तो हमें और भी कुछ करना है। देखिए, मैंने इस तरह से सिव कर लिया है, पर हमें ये पूरा क्रेप पेपर निडल पे ही रखना है और फिर हमें इसको ऐसे पकड़ के अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है ताकि ये फ्लावर की शेप जैसा लगे। और फिर हम इसको थ्रेड में कर देंगे, वैसे ही हम बाकी को भी करेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से इसको ट्विस्ट करके डाल दिया इसमें। तो देखिए, हमारी ये माला बनके रेडी हो गई है। ऐसे ही मैंने एक और बना ली। ऐसे आप कौन से भी कलर कॉम्बिनेशन की और साइज लेकर बना सकते हो। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।